राम राम भाइयों, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी और ये खड़ी है भाई आपके सामने हुंडई ओरा का एस वेरिएंट। सीएनजी में आती है भाई ये गाड़ी, और इंडिया में मतलब हुंडई ओरा की टॉप सेलिंग वेरिएंट है ये सीएनजी में, क्योंकि भाई आपको पता है पेट्रोल डीजल जो है भाव 100 के करोड़ हो रहे हैं डीजल के ही, तो ऐसे में जो है काफी अच्छा माइलेज देने वाली गाड़ी है ये। और लोग इस गाड़ी को क्यों चुनते हैं ये मैं आपको जो है सीधा इसके ओनर के मुंह से ही सुनवा देता हूँ। फुल टैंक कराने में 225 से 200 किलोमीटर के आसपास चलती है एसी पे। अभी मैं कल रात को ही जयपुर से ट्रैवल करके आया हूँ। ट्रैवल में लाइक कोई परेशानी नहीं है, फुली कंफर्टेबल है। सिंगल ड्राइव में मैंने 225 किलोमीटर गाड़ी चलाई है जयपुर से कोटा, ठीक है। उसके अलावा एवरेज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरेज काफ़ी अच्छा है। आप एक टैंक फुल करा रहे हो तो जयपुर पहुँच रहे हो 250 किलोमीटर, 230 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। 500 रुपये की 600 रुपये की गैस में आप जयपुर पहुंच जाओगे, मतलब 500 रुपये में आके आ चली जाएगी एक साइड, एक साइड वन साइड 500 रुपये में एक साइड चली जाएगी। आप अगर बाय पेट्रोल जाते हो तो कम से कम 2000 का पेट्रोल लगेगा इसी गाड़ी। ओके, तो पेट्रोल में क्या एवरेज है इसका? पेट्रोल में इसका 20 के ऊपर का है, और सीएनजी में भी 20-21 का एवरेज निकालती है। 20-21, मतलब कंपनी 28 क्लेम करती है आई थिंक। नहीं, कंपनी इसका 26 क्लेम करती है, बाकी 22-23 का आराम से निकालती है। सिटी में मैं चला रहा हूँ, 19 से 20 का एवरेज आराम से निकालती है। तो सीएनजी में आप अभी जयपुर से सीएनजी में ही होके आए हो? हाँ। तो कितना पड़ गया आपको टोटल? मैं सीएनजी में गया था, मैं जयपुर पहुंच गया था, मेरा सीएनजी उसके बाद ख़त्म हुआ, फिर मैं कुकस गया था, तो कुकस मेरे को 30 किलोमीटर पड़ा था वहाँ से सीएनजी जहाँ भराने जाना था, तो वो मैं पेट्रोल पे लेके गया हूँ। उसके बाद उधर से वापस सीएनजी पे आया हूँ और मैं वापस कोटा के लिए निकला हूँ, और तालेड़ा तक मैं सीएनजी पे आया। तो ऑलमोस्ट अगर वो 30 किलोमीटर तुम उधर का माइनस कर दोगे पेट्रोल बिला था तो यहाँ मेरे कोटा पहुँच जाता। तो कितने रुपए खर्च हुआ आपके टोटल अभी तक? लगभग 500 रुपये, 600 रुपये जाने का, 600 रुपये आने का, 1200 रुपये में मैं जयपुर जाके आ गया। भाई अभी ओरा तक के तुम अंदर नेट पे देख सकते हो, अभी तक इसके पहले डिजायर जो थी वो बिकती थी सीएनजी में सबसे ज़्यादा। अभी ये 2020 और 2021 की सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग कार ओरा ही है, हुंडई ओरा। आप नेट पर इतना बढ़िया माइलेज देती है आपको ये जो है, इस गाड़ी का सीएनजी टैंक है 10 लीटर सीएनजी आ जाती है भाई इस गाड़ी में, और माइलेज की बात करें तो यूँ मान के चलो 2 रुपये किलोमीटर जो है ये गाड़ी चलती है, और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। मतलब ये नहीं है कि फ़र्क जो लगता है ना इंसान को सीएनजी की गाड़ी ऐसे लगती है कि पावर नहीं पकड़ रही है, ढीली ढाली सी गाड़ी, तो वो चीज़ भाई आपको इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल जो है पेट्रोल जैसा फील आने वाला है। और सीएनजी जो है बिल्कुल पेट्रोल में ज़्यादा लैग नहीं है, बहुत कम लैग है। मेन बात क्या है भाई, माइलेज जो है आपको काफ़ी अच्छा दे देगी। मतलब अगर आपकी रनिंग भाई ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा रनिंग है तो आप सीएनजी जो है डलवा सकते हो। ये सीएनजी जो है स्लोट इसमें यहाँ पे मिल जाता है, सीएनजी जो है कौन सी कंपनी का सीएनजी है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है लिखी हुई मिल जाती है। बाकी भाई ये गाड़ी डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है, ऑटोमेटिक में भी आती है, मैनुअल में भी आती है, और सीएनजी वाला वेरिएंट तो जो है आपके सामने खड़ा है। और एक चीज़ और भाई बता दूँ, 8,35,000 से 8,40,000 रुपये का ऑन रोड शोरूम प्राइस है, मतलब ऑन रोड प्राइस है अभी के डेट में अगर बात करें। और ज़्यादातर लोग इस गाड़ी को तभी प्रीफर करते हैं जिनका मतलब रनिंग ऐसी हो कि जिसको दिन में 100 किलोमीटर चलना हो, 50 किलोमीटर चलना हो। और भाई काफ़ी अच्छी सेलिंग भी हो रही है इस गाड़ी की, काफ़ी सारे लोग इस गाड़ी को जो प्रीफर करने लग रहे हैं आजकल की, क्योंकि पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, मतलब गाड़ी नहीं चला सकता है इंसान अगर घूमना फिरना हो तो सोचना पड़ता है कि पहले तो पेट्रोल इतना, फिर ऊपर से टोल इतना। तो ये चीज़ें इस गाड़ी में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नॉर्मल जो बाइक होगी स्प्लेंडर जितनी खर्चे में चल जाएगी, या स्कूटी वगैरह होती हैं उतने खर्चे में ये आपकी ओरा चल जाएगी। बाकी ये छोटी सी वीडियो थी, इसका रिव्यू वगैरह आपको चाहिएगा कोई लंबी, अगर अच्छी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, वो भी लेके मैं आपके लिए आ जाऊँगा। उम्मीद है वीडियो बढ़िया लगी होगी, अगर बढ़िया लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। तो भाई थैंक यू।